Have a good day, class 9 student. Again, we are coming back in our English online classes. We are reading chapter number 8, Reach for the Top, part 2, Maria Sharapova. Part 1, हम लोग Maria Sharapova के बारे में maximumly पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बचा है. जहाँ पे Maria Sharapova के बारे में हम लोग देखे कि हम लोग को संतोष यादव और Maria Sharapova के बिटवीन जो कंपैरिजन है, जो फर्क है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था. तो बेसिकली दोनों के कैरेक्टर में हमें इतना समझ में आ रहा है कि दोनों के कैरेक्टर में थोड़ा सा अंतर है. एक संतोष यादव जो कि पैदाइशी से ही पैदा होने के साथ साथ ही अपना स्ट्रगल को जारी किए थे. ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल उनको करना पड़ा था, क्योंकि समाज में तब नारियों को, महिला को, लड़कियों को बहुत कंजर्वेटिव नजर से देखा जाता था. बट Sharapova का लाइफ में वो स्ट्रगल नहीं आया, लेकिन Sharapova का जो आया वो है Sharapova का डिटर्मिनेशन, मतलब कोई लक्ष्य में पहुंचने के लिए जो आत्मत्यग होता है, वो चीज जो लगाव रखा जाता है अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए, जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, वो Sharapova ने दिखाई थी. वो भी सैक्रिफाइस की थी, 9 साल की लड़की माँ को छोड़ के रहना, ये भी कंबरी स्ट्रगल नहीं है, कंबरी सैक्रिफाइस नहीं है जो उन्होंने किया था. उसके बाद जिस हॉस्टल में वो रह रही थी, उसके हॉस्टल के रूममेट्स उसके ऊपर थोड़ा नैगिंग करते थे, टॉर्चर करते थे, इरिटेट करते थे, उसको टीजिंग करते थे, उसके बावजूद उसने अपने हौसले से अपने लक्ष्य कभी पीछे नहीं गई है. और यही रीजन है 2004 में उसने विंबलडन, लेडीज विंबलडन में गोल्ड मेडल हासिल किया था और वो जो ट्रॉफी था वो जीती थी. और उसके बाद उसने बताया था कि कोई भी इंसान अगर अपने लक्ष्य में अरे रहे, अपने सपनों को जैसे भी हो, कोई बिना कोई शर्त के अपने सपनों से एक कदम भी पीछे ना हटे, तो उसका सपना जरूर पूरा हो सकता है. और वैसा ही Sharapova ने भी अपने सपनों को पूरा किया था, अपने लक्ष्य में पहुंची थी. आज भी वो अपने लक्ष्य में आगे रहती है. और सबसे बड़ी बात, वो यूएस सिटीजन होने, यूएस में अपना जिंदगी का बहुत ज्यादा इवेंट पार्ट को निभाने के बावजूद उसने क्या किया, अपने मुल्क मतलब रशिया को उन्होंने कभी इग्नोर नहीं किया, अनवैल्यू नहीं किया. वो बोला कि कभी अगर मुझे ओलंपिक में मौका मिलेगा तो मैं, ये उसका कहना था कि मैं भले यूएस मेरे जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा जगह मुझे दर्जा दिया है यूएस नहीं, बट मैं अपने मुल्क, अपने रशिया को कभी भूल नहीं सकूंगा. और रही बात मुझे कभी मौका मिले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं उम्मीद करूंगा, मेरा सपना है मैं रशिया को रिप्रेजेंट करूं. यहां तक हम लोग पढ़े थे. नाउ वी विल गो टू पॉइंट नंबर, पैरा नंबर 9. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, Maria Sharapova लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज अर हॉबीज. ये भी पढ़े थे उस दिन की देखे कि बाकी लड़कियों की जैसा सिर्फ खेल कूद में ही आगे नहीं, खेल कूद के साथ साथ एक टीनेज लड़की 12-13 साल से 19 साल के लड़कियों को, 19 साल की उम्र के जिंदगी को टीनेज लाइफ बोला जाता है. तो एक टीनेज लड़की होने के नाते Maria सिर्फ खेल में ही नहीं, खेल के साथ साथ फैशन में, गाना में, नाच में, ये सब में भी उसका ज्यादा इंटरेस्ट था. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल. उसको आर्थर कोनन डॉयल का नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता था. हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक. उसको अच्छा लगता था पैनकेक खाना, गाउन पहनना, केक खाना और ऑरेंज ड्रिंक पीना, ये सब भी उसको फैशन में आता था. पॉइंट नंबर, पैरा नंबर 10. Maria Sharapova कैन नॉट बी पीजियन होल्ड और कैटेगरीज. Maria Sharapova कोई पीजियन होल्ड नहीं थे, मतलब वो कैटेगरीज लाइक उसको, मतलब उसको ये अच्छा आता है, वो नहीं आता, ऐसी वो नहीं थी. हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. उसका टैलेंट, उसकी दक्षता, उसकी डिजायर, उसका पैशन, उसके लक्ष्य, उसका डिटर्मिनेशन उसका जिंदगी को ऊंचाई तक, विश्व के दरबार पे ऊंचाई तक पहुंचने का जरिया रास्ता. Few would grieve her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and sport. But the most important thing is to become number one in the world. That is the dream that kept me going. उसने उसका आज वो जो विश्व के सबसे एक नंबर पोजीशन में पहुंचा है, विश्व के ऊंचा आसन उसने हासिल किया है, इसका एक ही वजह है. इसका वजह क्या है? इसका सिर्फ वही वजह है कि उसने पैसा को अहमियत नहीं रखा,
टेनिस खेलना है, टेनिस खेल के ट्रॉफी जीतना है या फिर गोल्ड हासिल करना है, सिल्वर हासिल करना है, यही सब कुछ नहीं था वो अपना। बल्कि उसने ये बात बोली कि दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अपने सपनों पे अड़े रहना और अपने सपनों को साकार करते हुए चलना। अगर तुम सपना देखो और उस सपने पे अड़े रहो, उस सपने को हर कंडीशन में, हर प्रोस्पेक्ट में उसका सपना को, ड्रीम को फुलफिल अगर तुम्हें करना है, चाहे जो भी सैक्रिफाइस करना पड़े, जो भी कीमत उसके लिए तुम्हें चुकानी क्यों ना पड़े, तुम्हें उस पर अड़े रहना चाहिए। तो कोई भी चीज नामुमकिन बोल के इस दुनिया में नहीं है, वो चाहे वो सपना कितना भी टफेस्ट सपना क्यों ना हो, तुम उसको भी अचीव कर सकते हो। तो दिस इज द अचीवमेंट, दिस इज द ओरिजिनल ड्रीम्स, ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन हर इन माइंड, मीन्स शर्पोवा'स माइंड, व्हिच इज केप्ट इन द फुल ऑफ शर्पोवा'स माइंड, जो कि मारिया के पूरे मन दिलो दिमाग में बैठा था कि मैं किस लेवल पे पहुंचाऊ, मुझे पैसा मिलेगा, पोजिशन मिलेगा, इज्जत मिलेगा, दैट इज नन ऑफ एनीथिंग, वो कुछ नहीं है। चीज क्या है, तुम्हारा सपना, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, तुम्हारी सैक्रिफाइसेस, ये सब कुछ तुम्हें करना है अगर तुम्हें उस जगह पे पहुंचना है, तभी तुम्हें असली जिंदगी का असली मजा मिलेगा, तभी तुम बोल पाओगे कि हाँ मैंने जो सपना देखा था। चाहे मतलब इसी इस वर्ष के दौरान हम सबके सामने ये मैसेज आता है कि हम जिंदगी में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील लॉयर बनेगा, कोई ना कोई, सबका अलग अलग फील्ड सेक्टर रहता है, बट उसको साकार करने के लिए तुम्हारे अंदर की डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन अगर रहेगा तो कोई भी बड़े से बड़े सैक्रिफाइस भी कीमत नहीं रखता है, वैल्यू नहीं रखता है, और जिंदगी को अलग चीज से तुम देख पाओगे। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट टू ऑफ मारिया शारापोवा'स लाइफ, दोनों की जिंदगी, संतोष यादव और मारिया शारापोवा दोनों की जिंदगी को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। संतोष ने पैदाइशी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद टॉप में पहुंचे थे, और शारापोवा भी बहुत ज्यादा समाज के द्वारा शोषित नहीं होना पड़ा था, अत्याचारित नहीं होना पड़ा था, बट उसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ा था, और जो कि उसने हर एक सैक्रिफाइस को गले लगा लिया था, खुशी खुशी मान ली थी, क्योंकि सैक्रिफाइस के बिना अपने डिटर्मिनेशन में वो कभी कामयाब नहीं हो पाती। तो ये रहा दो बॉर्न लेडी, दो ज्वेल लेडीज के बारे में, जो दोनों लेडी हमारे नाम रोशन करता है, विश्व का नाम रोशन करता है, अपने अपने मुल्क, अपने अपने समाज, सबको उसके साथ टोटल फीमेल वर्ल्ड को, टोटल नारी जाति के सम्मान को आगे बढ़ाता है। ठीक है, सो हियर इज टोटल एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 8। आज इसका टोटल पीडीएफ मैं आप लोग को ग्रुप में भेज रही हूँ, यू पीपल हैव टाइम टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, तुम आप लोग को इसका टोटल क्वेश्चन आंसर करके तैयार रखना है। कभी भी मैं कॉपी मांगूंगी तो आप लोग को कॉपी लेके आना है। ठीक है, सो कल का डेट फुल आप लोग के पास टाइम रहेगा उसको कम्प्लीट करने के लिए, बट परसों मुझे मैं वो कॉपी हो सकते हैं मंगवा लूँ, या फिर आप लोग को बोलूंगी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।